जो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपोजिटरी ऐसे जिड़े व्याख्यात्मक निबंध ने उन्होंने जी संरचना वो किस तरह की होंगी है। ये असी चार चीज़ा लैनी है। पहला है थीसस स्टेटमेंट, मीनस थीसस का जोड़ा कथन है वो की है। दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा बॉडी, तो चौथा कंक्लूजन। तुम इन्हों इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, वैसे अलग अलग भी आ सकता है क्योंकि असी जे चार स्टैप्स ने वो स्ट्रक्चर के काउंट करांगे। हुण जिहड़ा पहला है थीसिस स्टेटमेंट, मीनस इहदे विच केंद्री भाव है जिहड़ा वो लिया जांदा, सेंट्रल आइडिया के स्टेटमेंट विषय बारे तुहाडे जिहड़े विचार ने वो इहदे विच दर्शाए जांदे ने कि तुसीं एक्चुअल दे विच की कहना चाहुंदे हो। जिवें कि असीं इक पोएम पढ़दे हां तां उहदा इक सेंट्रल आइडिया हुंदा है जिहदे विच मेन इह दस्सिया गया हुंदा है कि इस पोएम दे विच जिहड़ी गल है उह की कही गई है। ये सेंट्रल आइडिया मीनस मेन इहदा थीम है वो की है। तो ये जो सारा एसे है वो सानू समझ आ जाता है जिहड़ी दी थीसिस स्टेटमेंट होंदी है। नैक्सट है इंट्रोडक्शन। हुण इंट्रोडक्शन दे विच इंट्रोडक्शन मीनस भूमिका, ये कुछ होर जो कंपोनेंट्स ने अलग वो शामिल होंदे ने, जिवें कि सब तो पहला है ये बैकग्राउंड, मीनस जो असी ने टॉपिक लिया वो जी बैकग्राउंड इनफॉर्मेशन है वह भी असी ने देनी होंगी है क्योंकि ये ही जो सही टॉपिक है वह क्लीयर होएगा कि असी एसे दे विच की कहना चाहते हैं। फिर डेफिनेशन, किदी डेफिनेशन, वो स्टेटमेंट्स की उन्होंने वर्ड्स की जिन्हों के डिफाइन करना जरूरी होंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स इस तरह के भी होंगे ने जिन्हों के बहुत घट यूज के आते हैं, इस करके उन्होंने डिफाइन करना जरूरी होंगे। नैक्सट है अदर इनफॉर्मेशन। अदर इनफॉर्मेशन मीनस जिहड़ी एसे दे नाल रिलेटड कोई होर इनफॉर्मेशन है पाठकों की जानकारी के लिए असी ये वो भी ऐड करते हैं। नैक्सट है कॉन्टेंट इंट्रोडक्शन, फिर जिहड़ा कॉन्टेंट असी लिया है विषय वस्तु लिया है उहदे लई ध्यान खिंचण दे वास्ते जिहड़ी उहदी जाण पछाण है वह भी देनी होंदी है क्योंकि इहदे नाल की है वी जिहड़े साडे रीडर ने, साडे पाठक ने, साडे विद्यार्थी ने, उन्हां दा जिहड़ा ध्यान है वह इहदे वल खिंचिया जाएगा तो वह इहनूं पढ़न दे लई एक्साइटड होणगे। नैक्सट इहदे विच है बॉडी। हुण बॉडी दे विच की आउंदा है, फैक्ट्स। फैक्ट मीनस किहड़े किहड़े जिहड़े तत्थ ने जिहड़े असीं उहदे विच ऐड करने हैं क्योंकि असीं कुछ भी लिखना है तो फैक्ट्स दे उपर आधारित होना चाहिए। यह नहीं है असीं कोई भी लाइना लिखते हैं तो ऐसे बन जाएगा, नहीं, फैक्ट्स के उपर आधारित, तत्थों के उपर आधारित होनी चाहिए सारी इनफॉर्मेशन। नैक्सट एग्जाम्पल्स, असी उन्हों इनकलूडिंग सूटेबल एग्जाम्पल्स भी इनू वधिया तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीनस एग्जाम्पल्स की जी वरतों वो भी ये करनी है। फिर लॉजिक, जिहड़ी असी कोई भी गल लिखनी है वह लॉजिक के उपर आधारित होनी चाहिए है, मीनस सही हो तर्क के आधार पर ता कि साढ़े लिखे हुए ऐसे के उपर कोई जो व्यक्ति है किंतु परंतु ना कर सके। नैक्सट हैगा कंकलूजन। कंकलूजन मीनस कलैरिटी ऑफ थीम कि असी एक्चुअल दे विच सारा जिहड़ा विशा जो बॉडी दे विच असी लिया सी, जो उहदी इंट्रोडक्शन दित्ती है, जो उहदी थीसिस स्टेटमेंट सी, उहदे विच एक्चुअल असी की कहना चाहुंदे आ, मीनस पूरे तरीके नाल उहनूं स्पष्ट करदा होवे। जिवें कि तुसीं कोई क्वेश्चन लिखदे हो एंड ते कंक्लूजन लिखदे हो तां उहदे सिर्फ देखो 5 तों 6 लाइनां हुंदियां, तां उहदे विच तुसीं पूरा जिहड़ा क्वेश्चन लिखदे हो इंट्रोडक्शन तों लै के एंड तक सारा उहदे बारे लिखदे हो, सेम इहदे विच है। मीनस जो असीं एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐसे लिखना है उहदा कंक्लूजन की निकलता है वह बिल्कुल इत्थे क्लीयर होना चाहिए तां जो जिहड़ा ऐसे है जो निबंध लिखा गया व्याख्यात्मक निबंध वह क्लीयर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो तो सिर्फ इन्ना ही। थैंक यू।